हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जैसे कि आप इसका नाम से परिचित हैं, क्वांटम है और मैकेनिकल है। तो मैकेनिक्स मतलब जो है वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वांटम मीन्स पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। तो बोर मॉडल काफ़ी सक्सेस हुआ क्योंकि उन्होंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ओवर रूल्ड द बोर्स पिक्चर ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स। जो उन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट का पिक्चर दिया था, आइडिया दिया था, वो ये दोनों लॉज के द्वारा ओवर रूल्ड होने लगे। तब मीन्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, बोर मॉडल था, इट कुड नॉट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स करेक्टली। ये उससे मतलब करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाए, इसलिए बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द ड्यूअल कैरेक्टर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रॉन्स थे एटम में वो इन दोनों फिनोमेना को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए साइंटिस्ट स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए मॉडल विच कुड इनकॉर्पोरेट द डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब उस तरफ देखा जाने लगा जिस तरफ मतलब डुअल कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन कर सकता हो और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करता हो। तो इसलिए एक नया मतलब यहाँ पर आया, क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स मतलब इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन कर सकता हो। तो इसके लिए 1926 में हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर दोनों ने ही इंडिपेंडेंटली अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इरविन श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को प्रपोज किया। तो 1926 वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर डेवलप क्वांटम मैकेनिक्स इंडिपेंडेंटली, एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर प्रपोज्ड ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम व्हिच कंसीडर्ड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इरविन श्रोडिंगर ने बाद में मतलब उस पर काफ़ी वर्क किया और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी उन्होंने प्रपोज किया। इसमें ड्यूअलिटी ऑफ मैटर को भी डिस्क्राइब किया गया और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वह फॉलो करता है। और इसमें 1927 में इरविन श्रोडिंगर ने एक वेव मोशन इलेक्ट्रॉन का दिया, वेव इक्वेशन दी विच डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। 1927 श्रोडिंगर Described the wave motion of electron in three-dimensional space around the nucleus by a mathematical equation. इन्होंने three-dimensional space में electron को जो nucleus के चारों ओर rotate होता है, जबकि बहुत ही small particle है, फिर भी इसको हर एक direction में three-dimensional space में describe किया। Means अभी तक जो model थे वो three-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इन्होंने उसी एटम को थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्क्राइब किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के थ्री डायमेंशनल मूवमेंट को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोला जाता है, और इक्वेशन ये है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये इस तरह से भी इनको बनाया जा सकता है, ये भी डी है, या फिर ऐसे सिंपल डी का भी यूज कर सकते हैं, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी साई इज इक्वल टू जीरो। तो ये डी स्क्वायर साई, साई इज ए वेव फंक्शन, साई जो है इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एक्स वाई और जेड ये सभी डायरेक्शन में होगा, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई इज द टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, V is the potential energy,
mass of electron h, Planck constant, और ये जो d square psi upon dx square means it is a second differential derivative with respect to x. इसी तरह से d square psi upon dy square means second differential with respect to direction y या coordinate y. इसी तरह से d square psi upon dz square हो जाएगा second differential with respect to direction y. तो इस तरह से ये श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन था इट तो इसमें ये हुआ कि पहले तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया श्रोडिंगर, क्योंकि एक तो ये डिफिकल्ट थी और इसको कैलकुलेट करना इससे बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन बाद में जो रिजल्ट ऑब्टेन किए गए श्रोडिंगर के द्वारा वो एक्सीलेंट एग्रीमेंट में आए. मीन्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आर एन एक्सीलेंट एग्रीमेंट विद रिजल्ट ऑब्टेन, जो भी रिजल्ट ऑब्टेन किया गया विद द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, वो भी पूरे मतलब एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग के साथ में. तो इसमें जो मेजर उनका अचीवमेंट था श्रोडिंगर का ये था कि इन्होंने सक्सेसफुली इंटरप्रेटेड द एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल. एटम्स और मॉलिक्यूल के इन्होंने एक्सपेरिमेंटल जो भी इंटरप्रिटेशंस थे इंफॉर्मेशंस थे उनको पूरी तरह से सक्सेसफुली इंटरप्रेट किया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ. और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उन्होंने हाइड्रोजन एटम या दूसरे एटम के लिए सभी के लिए डिस्क्राइब कर सकते थे, जबकि बोर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन तक ही लिमिटेड था. तो इसके द्वारा उसके स्पेक्ट्रम फिनोमेना को भी एक्सप्लेन कर सकता था, एनर्जी, रेडियस, मास, वेलोसिटी, और वो भी प्रोबेबल वेलोसिटी. मीन्स एक जैसे हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसे भी एक्सप्लेन कर सकता है. उन्होंने उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल पहले नहीं है, अब भी उसमें ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस किया गया है. तो इससे रिलेटेड जैसे कि व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाज सॉल्वड फॉर हाइड्रोजन एटम और अदर एटम द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी स्टेट. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्यूशन इट गिव्स द पॉसिबल एनर्जी स्टेट. ये जो पॉसिबल एनर्जी स्टेट है दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, जो इलेक्ट्रॉन कोई ऑक्यूपाई कर सकता है, एंड दीज वैल्यूज ऑफ एनर्जी मीन्स जो पॉसिबल एनर्जी स्टेट की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज. इसे हम आइगन वैल्यूज का नाम देते हैं, और इसी से जुड़े हुए आइगन फंक्शन होते हैं. मतलब जो उस एनर्जी को डेराइव करने में कैलकुलेट करने में जिनकी हम हेल्प लेते हैं, जैसे इसमें हम यूज करते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शन साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद दीज एनर्जी वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन फंक्शन. तो आइगन फंक्शन हो गया यहाँ पर जैसे वेव फंक्शन साई जो मतलब उससे इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं. तो इस तरह से उन्होंने और भी फिर आगे दिया, जैसे क्वांटम नंबर्स को इसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया, सॉल्व किया गया, इससे हमें क्वांटम नंबर्स की भी वैल्यू मिलती है, ऑर्बिटल पिक्चर्स के बारे में बताया. तो ये डिफरेंट तरह के यहाँ पर उनके सॉल्यूशन से जो रिजल्ट मिले. अब ये व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन. वेव फंक्शन मीन साई, इसका वेव करेक्ट जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. इन द फिजिकल सेंस साई साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड. इलेक्ट्रॉन मतलब जब मूव करता है तो वेव नेचर में रहेगा, उसमें जो उसका एम्पलीट्यूड होगा डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ साई. ये साई उसको रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. और साई स्क्वायर जो है, जबकि साई स्क्वायर भी हम कई जगह पर लेते हैं, तो इट डिटरमाइन द या इट इज द इंटेंसिटी और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट. मीन्स किसी भी पॉइंट पर उसकी डेंसिटी या जो मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है साई स्क्वायर. और साई स्क्वायर डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मूविंग इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन रीजन. एक जो प्रोबेबल रीजन होता है, फिक्स्ड रीजन है, उसमें कहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इट डिस्क्राइब्ड बाय द साई स्क्वायर. मीन्स वेव फंक्शन जो साई है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे. इट इज सिमिलर टू द लाइट वेव्स, जैसे कि लाइट वेव्स में होता है. मीन्स वहां पर भी यदि आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं तो वहां पर मिल जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट.
इसी तरह से साई का है, साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, और साई स्क्वायर करेंगे तो उसका हमें डेंसिटी या इंटेंसिटी मिल जाएगा। मीन्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, यदि साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दैट रीजन, वो मैक्सिमम होगी। इफ द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज लेस, यदि बहुत कम है, मीन्स देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, वो भी लेस हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी मिलने, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। कभी यदि साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो है, मीन्स देयर इज नो प्रोबेबिलिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो वहाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लगभग इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाते। और इस तरह के रीजन को हम जैसे नोडल रीजन भी बोलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो सॉल्यूशंस थे वो अलग अलग उन्होंने वैल्यू दी। इसमें जो वेव मैकेनिक्स है, इट अप्रोचेस और गिव्स मीनिंगफुल वेव फंक्शन विच डिस्क्राइब द पोजिशन एंड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इन्होंने इसके द्वारा ये भी है कि जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे बोर मॉडल में, उनको हटा करके मोस्ट प्रोबेबल रीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में फिक्स एनर्जी लेवल की जगह पर अभी मोस्ट प्रोबेबल रीजन यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। तो इन सबको लेकर के ये सब डाटा को उन्होंने यूज किया और एक नया मतलब जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया। और उसके हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं या इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, दीज आर फॉलोइंग। फर्स्ट है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, मीन्स दे कैन हैव ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज। क्वांटाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर सेल में ही रह सकता है। जैसे हम सोचें कि ये E1 है और ये E2 है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है E1 पर, तो वह E1 में ही रहना चाहेगा क्योंकि उसकी एनर्जी E1 के बराबर है। यदि हमने उसको E2 पर ला दिया तो वहाँ अनस्टेबल रहेगा, वो अपने फिर से E1 पर ही जाना चाहता है। तो इस तरह से देखा जाए, मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिटल में ही पाया जाता है, फिक्स्ड एनर्जी सेल में ही वो पाया जाता है। सेकंड, इन्होंने ये बताया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कि द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि ये डुअल कैरेक्टर को शो कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन है तो ऑलरेडी वो एक पार्टिकल है, और यदि वो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसमें एग्जिस्टेंस करते हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन में वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। थर्ड है, दिस मॉडल इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल रीजन इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड दिस मोस्ट प्रोबेबल रीजन इज नोन एज ऑर्बिटल्स। इसे हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। Therefore, this model is in accordance with the Heisenberg's uncertainty principle. क्योंकि orbital मतलब एक probable region है जहाँ पर electron के मिलने की probability एक ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन उस orbital के अंदर हम एक fixed position को locate नहीं कर सकते हैं कि इस समय पर electron यहीं पर मिलेगा, वो electron दूसरी जगह पर भी हो सकता है। जैसे हमने मान लीजिए कि ये एक ये प्रोबेबल रीजन ले लिया, ऑर्बिटल ले लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन उसका यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस लेकर पर्टिकुलर रीजन में बताएगी। मींस एक फिक्स पोजीशन नहीं है, एक हमने रीजन दे दिया, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा बाकी जगह पर कम मिलेगा। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट था ऑर्बिटल का, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है और ये डुअल कैरेक्टर को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट था, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दस मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हम जनरली इसकी हेल्प से उसको डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन साई। साई यहाँ पर मतलब एक वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का,
जो एटम से जुड़ा होता है, इसका मतलब है कि जब हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं वेव फंक्शन के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को, वी से दैट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज दैट ऑर्बिटल, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पाया जाता है। अब चूंकि ये भी होता है कि जो मैनी वेव फंक्शंस हैं दे आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर मैनी एटोमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम, एक एटम में नंबर ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लेकिन ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो डेफिनेट होती है, मीन्स इन ईच ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट एनर्जी, मीन्स इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी लेकिन वहाँ पर डेफिनेट होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज प्रोवाइडेड बाय इट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई। फिफ्थ पॉइंट था जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, मीन साई स्क्वायर। जो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन साई स्क्वायर, मीन्स एट दैट पॉइंट। और साई स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यदि नहीं है तो मैक्सिमम उसकी जो मिनिमम वैल्यू जीरो तक जाएगी, जीरो के आगे हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, नहीं है तो जीरो हो जाएगा, अदरवाइज जो भी आगे प्लस में ही वैल्यू होगी, माइनस में इसकी वैल्यू कभी नहीं होती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए रीजन हैविंग वॉल्यूम डीवी, डीवी मतलब स्मॉल वॉल्यूम, कैन बी ऑब्टेन्ड एज साई स्क्वायर डीवी। तो ये हम जो डेंसिटी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डीवी, तब हम उसमें वॉल्यूम पर्टिकुलर हैविंग वॉल्यूम में भी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेवेंथ है द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम गेव थ्री कॉन्स्टेंट, उन्होंने थ्री कॉन्स्टेंट के बारे में भी बताया जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, एंड दीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई पोजिशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके द्वारा आप उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पोजिशन, उसकी एनर्जी, ये सभी उसके द्वारा कैलकुलेट किए जा सकते हैं, किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन बाय दीज क्वांटम नंबर्स, इन नंबर्स के द्वारा दी जाती है, तो इनको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे अभी। तो ये थे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। अब हम थोड़ा यहाँ पर देखेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल, जैसे ऑर्बिट था कॉन्सेप्ट बोर मॉडल में से, और ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या होते हैं उनके बारे में भी हम देखें। तो ऑर्बिट इट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ऑर्बिट एक न्यूक्लियस के चारों ओर में वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। और जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, दिस वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। जबकि ऑर्बिटल होता है, इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मीन्स ये न्यूक्लियस के चारों ओर जैसे ये एक पूरा रीजन है, ये जो अवेलेबल स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पाया जा सकता है, वो फिक्स नहीं है, तो उस पर्टिकुलर जो है एरिया को वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल, उसे हम ऑर्बिटल नाम देते हैं। और इसमें देखें डिफरेंशियली, तो ये डायग्राम के द्वारा भी यहाँ पर रिप्रेजेंट है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, तो एक ये पर्टिकुलर रीजन हो गया, ये मीन्स उसके लिए ऑर्बिटल हो गया। सेकेंड है इट रिप्रेजेंट प्लैनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक प्लेन में सिंपल जो है मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यहाँ पर ये थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल, तो इट रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड है, अब चूंकि ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ होने के कारण हम इलेक्ट्रॉन का पोजिशन और वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा असंभव है,
हाइजेनबर्ग के अकॉर्डेंस, इसका मतलब है कि इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ऑर्बिट तो डेफिनेट पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का, डेफिनेट मतलब फिक्स पाथ, जबकि ये फिक्स है नहीं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड है इसमें था ऑर्बिटल में, इट डज नॉट स्पेसिफाई डेफिनेट पाथ, ये डेफिनेट पाथ को स्पेसिफाई नहीं करता है। इट रिप्रेजेंट द इट स्पेसिफाई द होल एरिया और द फिक्स्ड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया को बताता है। एंड इलेक्ट्रॉन मे बी एनी वेयर इन दिस रीजन, और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकते हैं। सो दिस ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट है इज इन अकॉर्डेंस टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, उसको फॉलो करता है। फोर्थ है ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, हर एक ऑर्बिट्स तो सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं ये, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, ऑर्बिटल्स आर इन डिफरेंट डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। जैसे एस जो होता, इसमें फोर ऑर्बिटल होते हैं जनरली, एस पी डी और एफ, ये टोटल फोर है, जिसमें एस फॉर जैसे स्फेरिकल है, पी फॉर प्रिंसिपल होता है, मीन्स प्रिंसिपल जो है ये डम्बल शेप का होता है, डी जो है डबल डम्बल शेप का होता है, जबकि एफ का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये डिफरेंट शेप के हैं, जबकि सभी ऑर्बिट सर्कुलर शेप के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है और डिफरेंस, फिफ्थ है ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, क्योंकि ये सभी सर्कुलर शेप के होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं पाए जाते हैं कि एक्स वाई जेड, सर्कुलर तो हर एक डायरेक्शन में होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस का शेप स्फेरिकल होता है, बाकी उसको छोड़ करके, एस को छोड़ करके जो ऑल अदर ऑर्बिटल्स हैं पी डी एफ हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वह पाए जाते हैं या एकोमोडेट होते हैं। सिक्स्थ है एन ऑर्बिटल ऑर्बिट कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2n2, किसी ऑर्बिट में, ऑर्बिट को हम सेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं, तो इट कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2n2, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n2 हो सकते हैं, और वेयर एन इज द नंबर ऑफ सेल, जैसे वन होगा तो फर्स्ट सेल, सेकेंड हो जाएगा तो के सेल, यदि हम इसमें जैसे वन रख देंगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रख देंगे तो एल सेल, एल में 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, मैक्सिमम वहां पर एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और या फिर इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं एन को, तो यहां पर इक्वल 2n2, जबकि जो सिक्स होता है ऑर्बिटल में, सिक्स पॉइंट यदि देखें तो एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स एन ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके आगे 3, 4 कोई भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें एकोमोडेट करने की क्षमता नहीं होती है। तो ये डिफरेंसेस थे ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। तो आज हमने इसमें जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।